मैं ब्रजगोपाल सिंह। मुझे 8 मई की रात को बॉडी में पेन और घबराहट, उसके बाद रात को मैं एपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद पता लगा कि ब्लॉकेज है। शुरू करने के बाद जब पैसे की जमा कराने की पड़ी तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास जनाधार है? मैंने कहा है सब मेरे पास। तो चिरंजीव योजना के तहत मेरा इलाज उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर ये योजना नहीं होती, आगे चल के मुझे बहुत परेशानी खड़ी होती परिवार में। कई मरीज इलाज नहीं ले पा रहे थे किसी डिसेबिलिटी की वजह से या कोई और कोज की वजह से, वो आजकल किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी निशुल्क योजना के अंतर्गत इलाज मिल पा रहा है। पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो भी अपना इलाज करवा रहे हैं इसकी वजह से। भाई गरीब आदमी के लिए साथ देगा तो उसकी तो बड़ाई होगी ना। चिरंजीवी कार्ड जोड़वा में बड़ा प्राण बच गया साहब। ये योजना गरीबों के लिए तो एक मसीहा का काम कर रही है। लगता है कि हमारे साथ कोई है। पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए ये योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की राशि का बेनिफिट मिलता है इस स्कीम के अंतर्गत। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज में किसी गरीब का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ये सीएम साहब का क्लियर व्यू था। कोई भी गरीब आदमी हो उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं और सभी स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं। इस योजना में राजस्थान का प्रत्येक नागरिक कवर है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले SECC फैमिलीज, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की फैमिलीज, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो संविदा कर्मी हैं, COVID-19 एक्सग्रेशिया, उनकी फैमिलीज को इसमें फ्री में कवर किया गया है। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं, मात्र 850 रुपये देकर इस योजना से जुड़ा जा सकता है। जब भी मरीज यहाँ पर अपने अस्पताल के अंदर आता है, सबसे पहले हम लोग उनसे अपना जो चिरंजीवी कार्ड होता है वो मांग लेते हैं उनसे। अगर उसका पेशेंट का अगर कार्ड एक्टिव होता है तो हम उसको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पेपर फिल करवा करके जिस भी बीमारी के लिए वो आता है उसको उस बीमारी से रिलेटेड हम एडमिट कर लेते हैं। कोई मरीज होता है तो आज मैंने एनरोल नहीं कराया, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, अचानक बीमार हो गया, मैं जनाधार कार्ड दे तो उसमें पता लगता है कि आप एनरोल नहीं हो, तो भी कलेक्टर परमिशन से उसको हाथों हाथ 24 घंटे के अंदर अंदर एनरोल करके उसका इलाज किया जाता है। जैसे पहले आया तो एक बार उसको बताते थे कि तुझे स्तन का कैंसर है या थायराइड का कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही उसको सबसे बड़ी चीज आती थी उसको पैसे का, कि मैं इलाज कैसे करवाऊंगा। लेकिन जब उसको बताते हैं कि अब तुझे पैसा नहीं लगेगा तो वो चिरंजीवी से जाके अपना इलाज पूरा करवा लेता है। मेरा नाम अंजुम बानो है। छोटी थी मैं 8-10 साल की, जब से मुझे तबीयत खराब रहती थी, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तिल्ली का, मेरी तिल्ली निकाली गई है, फिर मेरी शादी होगी, शादी के बाद में भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर मुझे लड़का हुआ, उसके बाद में मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। जब जनाने से हॉस्पिटल से 3 दिन बाद में इनको रेफर कर दिया था SMS हॉस्पिटल में, फिर वहाँ रेफर करने के बाद में जांच कराई तो इनकी लीवर की नस ब्लॉक आई। मुझे बुखार हो जाती है, मुझे पेन होता है बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में मुझे स्टेंट डलवाने पड़ते हैं, फिर उसी दौरान मुझे पीलिया भी हो जाता है। चिरंजीवी योजना से हमारे को फायदा ये होता है, हम स्टेंट उसी से डलवाते हैं। एम्स में 2 बार डाले उन्होंने, फिर जयपुर में डलवाए, और इन्होंने अभी मेटेलिक का डाला, करीबन 70,000 रुपये का आया था वो छल्ला, वो भी चिरंजीवी से मंगा के डलाया था उन्होंने। ये चिरंजीवी योजना से ही हमारा हो पा रहा है इलाज, नहीं तो इलाज नहीं हो पाता। राजस्थान सरकार ने अप्रैल में ही चिरंजीवी योजना की घोषणा की और उसके अंतर्गत उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को भी कवर किया। इसके पापा की इतनी ज्यादा इनकम नहीं है कि हम लोग इस बच्चे का ट्रीटमेंट भी करवा पाते, अगर नहीं होता चिरंजीवी से तो शायद उसका ट्रीटमेंट भी संभव नहीं होता। और आज ये बच्ची जो है अपना अच्छा ब्लड बनाने लगी है, कि हमें उम्मीद है कि अब भविष्य में इसको कम से कम कभी थैलेसीमिया की वजह से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनिशियली जब स्कीम लॉन्च हुई लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं थे, सरकार ने जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल से भी सेक्रेटरी स्तर तक भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। रेयरली आप कोई ढूंढ के निकालोगे तो अलग बात है, लेकिन पूरी जनता को ये अवेयर है कि ये चिरंजीवी योजना है, इसमें हमें बेनिफिट मिलता है, सरकार इस पर क्या क्या लाभ दे रही है हमारे।
पहले ये जो योजना थी ये सिर्फ BPL और पुअर लोगों के लिए थी, लेकिन जब से वापस इस चिरंजीवी में कुछ चेंजेस करके इन्होंने पब्लिक सभी के लिए इसको खोल दिया है। आउटरीच एरियाज हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं था हेल्थ केयर का, वहाँ पर भी लोगों को लाभ दे रहे हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब आगे आ रहे हैं कि इस योजना से जुड़े। चिरंजीवी के बारे में प्रचार वगैरह होता रहता है और गाड़ियों के पीछे भी लिखा है, कई एक दो जगह मैंने पोस्टर भी देखे। हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट इलाज नहीं करा पाता था, वो बहुत इजी गोइंग में इलाज करा रहा है, और हमारे पास सिर्फ पैसे वाले लोग आते थे, अब गरीब लोग सारा सारा इस योजना का फायदा ले रहे हैं। गरीब आदमी कोड़ो से लिया तरा पीसा वो न हो तो टूटे डोल तो मत सारी बात एंड जाती। हमारा गरीब आदमी का दया करिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी योजना चलाई, उनकी वजह से ही हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ है, वरना शायद कभी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। चलते हुए बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा, 50 लाख रुपए लगेंगे, हमारे पास नहीं है, हम किसान है, कहाँ से आएगा। सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है।